मथुरा थाना बलदेव पुलिस ने लूट के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके कब्जे से लूटी गई चांदी व अवैध असला और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बलदेव पुलिस की पकड़ में आया इस शातिर को जरा गौर से देखिए, यह वही शातिर है जिसने अब तक कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इस शातिर के ऊपर हाथरस के अलावा मथुरा था के विभिन्न क्षेत्रों में 13 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह वही बदमाश है जिसने 21 मई को सेहत रोड बलदेव क्षेत्र में स्कॉर्पियो से डिस्कवर मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर एक व्यापारी की 50 किलो चांदी लूटी थी, जिसमें मथुरा पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को 9 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें पुलिस धरपकड़ अभियान चलाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 23 किलो चांदी बरामद की जा चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद हाथरस का रहने वाला शिव कुमार पुत्र अरविंद एकमात्र ऐसा शातिर बदमाश था जो पिछले 2 माह से पुलिस को गच्चा दे रहा था, लेकिन पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 700 ग्राम चांदी, एक मोटरसाइकिल और एक अवैध असला बरामद किया गया है। ये एक 25,000 का इनामी है जिसका नाम शिव कुमार है, जो कि मूलतः थाना हाथरस का रहने वाला है। इसको आज पुलिस मुठभेड़ के अंदर गिरफ्तार किया गया है थाना बलदेव द्वारा। इसके अंदर ये जानकारी जो है, 21 मई इसी साल को एक चांदी व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसके अंदर की काफ़ी मात्रा में चांदी की लूट हुई थी। इस संबंध में 9 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो गए थे। कुछ लोग न्यायालय में सरेंडर किए थे और एक व्यक्ति अंतरिम जमानत में है। जो एकमात्र शेष अभियुक्त रह गया था शिव कुमार, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। शिव कुमार की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है सन 2011 से जो हमारे पास है, उसके ऊपर पूर्व में भी गैंगस्टर लूट के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसको आज पुलिस मुठभेड़ के अंदर गिरफ्तार किया गया। इससे चांदी रिकवर की गई है, लगभग जो है इससे 700 ग्राम चांदी रिकवर की गई है, मोटरसाइकिल रिकवर की है, तमंचा कारतूस रिकवर किया गया है और जैसा मैंने बताया सभी लोग इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। तो हम लोग का सभी लोग या तो अरेस्ट हो चुके हैं या अकाउंट फॉर्म हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रकरण में चार्जशीट लगा के गैंगस्टर व अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।